हेलो फ्रेंड्स, राणा जीनियस राणा में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने कर लिया है अपने चैनल का नाम चेंज। वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो चैनल का नाम रखा था वो मैंने अपने नाम पर रखा था, निर्मल निर्मल राणा, और अब मैंने रखा है राणा जीनियस राणा। तो मैंने इसलिए चेंज किया है क्योंकि मैं पहले जो नाम सिर्फ जो अपने चैनल का नाम सर्च करती थी वो जल्दी से निकल कर नहीं आता था, और अब जो मैंने नाम रखा है राणा जीनियस राणा वो आसानी से सर्च में आ जाता है। तो इसलिए मुझे अपने नाम अपने चैनल का नाम चेंज करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आज बनाने वाली हूँ मैं तिल, गुड़ और मूंगफली, इन सबसे गजक। तो चलिए फ्रेंड्स, आप सब भी और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, गज्जक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ले ली है मूंगफली, और मैंने ये पहले से ही छील ली है और कुछ इस तरीके से करके मैंने ये बीच में से तोड़ लिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब गैस पे चलते हैं। दूंगी इसमें 2 चम्मच घी। तो देखिए, इसे मेल्ट कर लेते हैं। देखिए, ये मेल्ट हो चुका है और अब डालूंगी मैं इसमें गुड़। तो फ्रेंड्स, घी हमने इसलिए डाला है इसमें, जब ये बन जाएगी और इसे खाएंगे तो इसका स्वाद अलग ही होगा, बहुत अच्छा स्वाद होता है इसका। तो देखिए फ्रेंड्स, ये घुलने लगा है। फ्रेंड्स, इतने वो तैयार होता है पक करके, इतने हम थाली में घी लगा लेते हैं। ये मेल्ट हो चुका है और अच्छे से खदक भी चुका है, देखिए खदक भी रहा है। और इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना ये हार्ड हो जाएगा और फिर टूटने से भी नहीं तोड़ टूटेगा। तो फ्रेंड्स, अब इसे चेक करने के लिए मैं थोड़ा पानी लेती हूँ डोंगे में और इसमें से थोड़ा सा डाल के ऐसे देख लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें घुल नहीं रहा है, इसका मतलब ये बन गया है। अब इसमें डालेंगे हम, इसमें मूंगफली डाल दी है और मैं इसे मिला लूंगी। इसमें डालूंगी मैं तिल उतार करके, इसे मुझे जल्दी जल्दी मिला करके तैयार करना है वरना ये इसी में सेट होने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने ये इसमें डाल लिया है और इसे अब थोड़ा फैला देती हूँ। अगर ये इससे नहीं फैल रहा हो तो आप हाथ से फैला सकते हो, थोड़ा गर्म है आराम से। देखिए, मैंने हाथ की हेल्प से ही फैला दिया है और देखिए हाथ भी लाल हो गया है मेरा, थोड़ा गर्म है। तो फ्रेंड्स, मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ अब। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेट हो चुका है, देखिए आप। तो इसे मैं काट लेती हूँ। किसी भी शेप में आप काट सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये काट लिया है और अब मैं इसे निकाल लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बन करके हो गई हैं तैयार, और आप सब बिल्कुल आसानी से इसे घर में बना सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं लगता, 2-3 चीज़ों से ही घर पे बन जाती है, बिल्कुल मार्केट जैसी। आप देख सकते हैं, देखिए आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। हाथ से भी देख सकते हो आप कितनी, देखिए इतनी हार्ड नहीं है और खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लगती हैं। मैंने जो इनमें घी डाला था उनसे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है इनमें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।